नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2015 दे विच कंडक्ट किया गया सी दे पहले पेपर दी चाइल्ड साइकोलॉजी सॉल्व करन जा रहे हैं। आओ शुरू कर दें। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, साडा पहला प्रश्न है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये चीज़ तो असं सारे जानते हाँ कि जोड़े लॉ ऑफ लर्निंग ने यह तीन ने ते थॉर्नडाइक ने दिते ने, पर इन्हों का इमर्ज कितों होया, कितों यह होन चाहे। तो जोड़ा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ये बिहेवियरिज्म की देन। बिहेवियरिज्म दे विच असी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्यूरी, ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्यूरी, इनसाइट लर्निंग थ्यूरीज लैने, तो यह सारिया ही थ्यूरीज इस चीज़ के उपर आधारित ने कि जिन्ना असी किसी चीज़ नू रिपीट करते जाने उन्नी ही वह चीज़ असी वधिया तरीके नाल सीखते जाने। तो यही कहना है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, कि कहना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि जिन्ना तुसी किसी चीज़ का निरंतर अभ्यास करोगे उन्ना ही तुसी बैटर लर्न करोगे। सो ए इज द आंसर। इट इज सैड दैट अ टीचर शुड बी रिसोर्सफुल। यह कहा जाता है कि एक अध्यापक संपन्न होना चाहिए है, इसका की अर्थ है, ही शुड हैव एनफ मनी, नो धन नाल नहीं जोड़ा जाता टीचर नू। ही शुड हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, हाँ जी वो चंगी जान पहचान हो, नो। ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। टीचर दे रिसोर्सफुल होने का मतलब सिर्फ तो सिर्फ अध्यापक दे ज्ञान नाल है। सो सी इज द करैक्ट आंसर। ही शुड हैव गुड रेपूटेशन अमंग स्टूडेंट्स ते अथॉरिटीज, ये भी रोंग है। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। एदा करैक्ट आंसर 86th अमेंडमेंट हैगा। इत्थे कोई भी ऑप्शन इहदे नाल नहीं मिलता, इस करके जिहड़ा आंसर है वह गलत है। जे तरह इन्होंने आंसर दे विच वैसे 93rd अमेंडमेंट दिता है, तो मैं तुहानू दसना चाहूँगी कि 93वीं सोध द्वारा की किया गया सी कि इस आर्टिकल नू सिरे चढ़ाने लई, फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन नू सिरे चढ़ाने लई ये किया गया सी कि जिन्हें भी अपने शड्यूल कास्ट एससी एसटी जां बैकवर्ड क्लासेस दे बच्चे ने, सोशल ते इकोनॉमिकल बेस दे उपर बैकवर्ड स्टूडेंट्स ने, उन्हां दी एडमिशन दा प्रावधान किया गया सी सारे सिक्ख्या संस्थावां दे विच। अ बैकवर्ड चिल्ड्रन इज वन हू इज मिड स्कूल करियर is unable to do the work of the next class below that which is normal for his age. ए example है जी कि एक पछड़िया होया बच्चा वह होंगे जेड़ा कि अपनी उम्र के मुताबिक अपनी श्रेणी तो नीचे का काम करन दे भी असमर्थ होंगे, यानी कि विद्यक तौर पर पछड़िया होंगे। यह डेफिनेशन दी गई सी जी साइरल बर्ट द्वारा। कल्चरल एक्सपैक्टेशन ऑफ मेल एंड बिहेवियर आर कॉल्ड। हरेक सभ्याचार दे विच मेल ते फीमेल सो कुछ जड़िया उम्मीदा कीतिया जांदिया ने, आकांक्षावां हुंदियां ने कि लड़कियां नूं की करना चाहिए, मेल्स नूं ते फीमेल्स नूं की। उन्हां नूं असीं सोशियोलॉजी दी धर्म दे विच सोशियोलॉजी दे पॉइंट ऑफ व्यू तो जेंडर रोल्स कहने। ए आंसर है। पियाजेट एडवोकेट्स द नीड फॉर टेलरिंग द एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द लैवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इस कोग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजेट ने कहा सी कि बच्चे दे कोग्निटिव स्ट्रक्चर दे अकॉर्डिंग, बौद्धिक ढांचे के अकॉर्डिंग ही उन्होंने सिक्ख्या दी जानी चाहिए है। पियाजेट की कहता सी कि बच्चे नू सिखाउण तो पहला सीखण दे योग हो जाना चाहिए है। जिवें जिवें उहदी उम्र वधदी जाएगी उहदा कोग्निटिव स्ट्रक्चर है जिहड़ा विकसित हुंदा जाएगा, तो साढ़े सिखाउण दा पद्धर भी उच्चा हुंदा जाएगा। इस नू की कहा जाता है, सीधे सीधे अर्थां दे विच साइकोलॉजी इस नू प्यूपिल सेंटर्ड जां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। अगे असी इंटलैक्चुअली जिहड़े डेफिशिएंट बच्चे ने, डिसेबल्ड बच्चे ने, मानसिक तौर पर पछड़े हुए बच्चे है, उन्होंने कैटेगराइजेशन दो तीन तरीकों नाल कर चुके हैं। सब तो पहला असी डिपेंडेंट डिपेंडेबल, फिर असी ट्रेनेबल एजुकेबल दे अकॉर्डिंग की सी, ठीक है। एक असी जिहड़ी डेफिनेशन इन्हां दी क्लासीफिकेशन की हुई है उहदे विच असी इन्हां नूं सवेयर, मॉडरेट, माइल्ड दे विच वंडिया होया है। एक डेफिनेशन दे विच इन्हां दी टेक्निकल टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स, सॉरी जिहड़ियां मेडिकल टर्म्स इन्हां लई यूज करदे आ। सब तो थले वाला लैवल हुंदा है जी इडियट्स दा, जिन्हां नूं असीं मूर्ख जां पूरी तरह मंद बुद्धि मानदे आ, 0 to 25 तक हुंदा उन्हां दा लैवल। दैन आउंदे ने इंबेसाइल्स,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ 26 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 51 ਤੋਂ 70, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦ ਇਨਸਲਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੋਫਕਾ ਤੇ ਕੋਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪੇਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਆਲ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸੇ ਹੱਲ ਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਹੂਮ ਏ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਜ਼ ਮੋਸਟ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਰ ਕਾਂਟ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਏ ਥਿਊਰੀ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਰਚਨਾਤਮਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ? ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ, ਨੋ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੋ। ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੈਂਡਿਊਰਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਟਡ ਵਿਊ ਦੈਟ ਫੀਮੇਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਟਰ ਟੀਚਰਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਡੀਲ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਨੋ। ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਲੋਅਰ ਸੈਲਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਨੀਡ ਟੂ ਅਰਨ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਨੋ। ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਐਪਟ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਮਲਟੀਪਲ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਏ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ 16 as 61 ਐਂਡ ਗੈਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਕਵਾਂਗੇ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਥਰਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 8 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਅਕਰ ਇਨ ਆਰਡਰਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਪੈਟਰਨ ਐਜ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਮੈਚੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਹਰਲੋਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਫਾਰ ਏ ਟੀਚਰ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਗੁੱਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਟੂ ਮੇਕ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
इंजॉयबल। तो एक टीचर लिए सब तो वड्डी जिहड़ी चुनौती हुंदी है, वैसे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं इंजॉयबल भी बनाना हुंदा है, पर इस तो ज्यादा जरूरी आंदा है कि यह बच्चे दीआं मनोविज्ञानिक लोड़ां दे अनुसार होवे। ते लोड़ां दे अनुसार बनाउण लई सब तो पहला जरूरी हुंदा बच्चे दीआं साइकोलॉजिकल भावनात्मक मनोविज्ञानिक व्यक्तिगत लोड़ां नूं समझना। अ चाइल्ड कंफर्ट्स अनदर चाइल्ड हू इज क्राइंग। एक बच्चा दूजा रोंदे हुए बच्चे नूं आराम दिंदा है, चुप कराउंदा है बाय ऑफरिंग हिज टॉय, अपना खिडौना दे के। दिस बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हू ट्राइज टू कंफर्ट, हुण जिहड़ा वड्डे दी भूमिका निभा रहा है दूजे नूं कंफर्ट करन दी कोशिश कर रहा है उहदा बिहेवियर की है? सोशल डिवेलपमेंट, नो डाउट सोशल डिवेलपमेंट है, पर सोशल दे नाल नाल इह बच्चे दे इमोशंस दी वी डिवेलपमेंट है कि उह दूजे बच्चे दीआं भावनावां नूं समझ रहा है, उहदे इमोशंस नूं कंट्रोल करन दी कोशिश कर रहा है, पर अपना सोशल बिहेवियर भी दिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर, बिल्कुल जिन्हें थ्योरी पढ़ी है बड़े आराम दा आंसर दे सकदा, चार स्टेजेस। वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज, वाइगोत्स्की ने की कहा बच्चे की डिवेलपमेंट किदां दी हुंदी है? बच्चे की डिवेलपमेंट सोशल इंट्रैक्शन दे सिटे वजो हुंदी है, क्योंकि इहदी जिहड़ी थ्योरी है उस कल्चर दे लैंग्वेज दे सोशल इंट्रैक्शन दे रोल नूं बच्चे दे बौद्धिक विकास दे विच प्रमुख मानदी है। ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नो, ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, नो, ड्यू टू सोशल कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर आना सी उरे, ता एदा एग्जैक्ट आंसर सी है, ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, ए प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ए गल कही है साढ़े पियाजेट ने, जीन पियाजेट ने। सिपैलोकॉडल ट्रेंड तो की इंप्लाई हुंदा है? मस्कुलर कंट्रोल, कोआर्डिनेशन, प्रोग्रेस, बोथ ए एंड बी। हाँ जी, दोनों ही गल्लां दी गल कीती सी उहने, मस्कुलर कंट्रोल दी भी गल कीती है ते कोआर्डिनेशन दी भी गल कीती है। ये दोनों चीजां विकसित हुंदियां उपर तों थले तक, ठीक है जी, क्योंकि जिवें जिवें साडा उपरों दिमाग पहलां विकसित हुंदा है तां उहदा कंट्रोल ते कोआर्डिनेशन दोवें ही चीजां विकसित होणगियां, ते इह कंट्रोल थले वल नूं वधदा जाएगा। सब तो पहला दिमाग का कंट्रोल आता है, फिर हत्थां का कंट्रोल, फिर पैरां वल नूं वधदा जांदा है, तां इहदा आंसर आएगा जी बोथ ए एंड बी। सोशलाइजेशन और सोशल डिवेलपमेंट इज द प्रोसैस ऑफ वेयर बाय ए बायोलॉजिकल इंडिविजुअल इज कन्वर्टड इन टू अ ह्यूमन परसन। डेफिनेशन है जी गैरेट दी है। मीनिंग ऑफ आई एल एफ ई, आई का मतलब है इनकलूसिव, एल लर्निंग, एफ मतलब लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट, का आना ही आना है, फ्रेंडली एजुकेशन नहीं आएगा, इनू तुसी बड़े आराम नाल इलिमिनेट कर सकते हो। ते इत्थे इंटेग्रेटेड दी गल नहीं हो रही, इनकलूसिव दी गल हो रही है। द स्कूल मे बी रिगार्डेड एज द सोशल इनवेंशन टू सर्व द सोसाइटी फॉर स्पेशलाइज्ड टीचिंग ऑफ द यंग, बिल्कुल सिंपल जी डेफिनेशन है, ओटावे दी है। अ चाइल्ड स्टडिंग हार्ड फॉर द सेक ऑफ गैटिंग ए स्कॉलरशिप, बच्चा तां पढ़ रहा है क्योंकि उन्हें वजीफा प्राप्त करना है, अंदरों उहदे कोई इच्छा नहीं है, तो यह एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है। अ टीचर्स इफेक्टिवनेस इन टीचिंग कैन बी जज्ड बैन इट, एक अध्यापक की प्रभावशीलता असं जज करने अध्यापन के कि किन्ना क प्रभावशाली है, जिहड़ा चंगे रिजल्ट लैके आउंदा, जिहड़ा बच्चे का आई क्यू रेज कर दिंदा, जिहड़ा कि बच्चे की लर्निंग दी लर्नर की थिंकिंग स्टिमुलेट करता है, सोच न उत्तेजित करता है, तो यह बिल्कुल साढ़े लिए इफेक्टिव टीचर होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड बाय एन इंटेलीजेंस टैसट, एक इंटेलीजेंस टैसट किस चीज़ को नहीं मेजर करता? एबिलिटी टू लर्न बिल्कुल मेजर करता है, एबिलिटी टू अपलाई वनज नॉलेज टू न्यू प्रॉब्लम बिल्कुल चेक करता है, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, हाँ ये क्रिएटिव टैसट मीन करता है, मेजर करता है कि बच्चा अलग किस हद तक सोचता है, जिन्ना डाइवर्जेंट उसकी थिंकिंग होएगी उन्ना ही उसका जिहड़ा क्रिएटिविटी वाला फैक्टर ज्यादा होएगा। सो जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो सी है। अगे है जी कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट आर रिलेटेड टू, कोहलबर्ग की जिहड़ी थ्योरी है वह पियाजेट की थ्योरी के उपर ही आधारित है। पियाजेट की सब तो पहला आई है मॉरल डिवेलपमेंट की थ्योरी, उस तो बाद कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी है जिहड़ी दित्ती है। वट इज द बेस्ट वे टू डील विद द मिसबिहेवियर ऑफ द किंडरगार्टन, एक छोटा जा बच्चा है नर्सरी वाला तुहाडे नाल बदतमीजी नाल पेश आ रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, उन्हें पनिश करोगे? नो, इग्नोर करोगे? इग्नोर भी नहीं करना, पॉजिटिवली उन्हें डील करना है। गिव सूटेबल पनिशमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, नो, चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जीज इन टू पॉजिटिव डायरेक्शन,
बच्चे दे विच एनर्जी ज्यादा है उन्हों तुसी सीधे राह ते पाउणा, सकारात्मक सोच वाले नूं बदलना है। स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन मटीरियल इफ दे यूज ए स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी। वैसे अंग्रेजी दे विच सवाल पूछना चाहिए सी SQ4R। एस का मतलब है जी सर्वे, याद रखना है। क्यू का मतलब है क्वेश्चन, पहला सर्वे करो फिर क्वेश्चन पूछो। रीड, रिसाइट, राइट एंड रिव्यू, ए दा करेक्ट आंसर है। तो तीमे दा बी। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अगर अज दी वीडियो तुहानू लाहेवंद लगी तो साढ़े चैनल नू वध तो वध लाइक करो, शेयर करो ते चैनल नू वध तो वध सबसक्राइब करो। बैल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि आउण वालियां वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन तुहानू मिलदे रहन। अगर तुसी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे नाल संबंधित वख-वख विषयां दीआं वीडियोज़ देखना चाहते हो तो तुसी साडे चैनल नू विजिट कर सकते हो। अज दी वीडियो देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।